हेलो फ्रेंड्स, आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई एम वत्सली, बिलोंग्स टू लखनऊ। आई हैव डन MSc विथ मैथमेटिक्स, BSc विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, BEd विथ मैथ्स एंड साइंस। ऑल्सो क्रैक द एग्जाम ऑफ CTET एंड TET ऑफ बोथ अपर एंड लोअर लेवल। आई ऑल्सो क्लियर बैंकिंग एग्जाम। आई हैव 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एकेडमिक फील्ड एंड 4 ईयर इन वन डे कॉम्पिटिशन एज SSC, रेलवे, बैंकिंग, SI, CSAT, TET, CTET एंड KVS। टुडे इज़ माई टाइटल नंबर सिस्टम। इसमें मैं आज आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर के बारे में बताऊँगी। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा होता है रियल नंबर। ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसमें सारे टाइप्स के नंबर आते हैं, ऑल काइंड ऑफ नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, 0 से लेके 9 तक नेगेटिव नंबर, -1, -2, रेशियो के नंबर, पॉइंट के नंबर, फ्रैक्शन के नंबर, रूट के नंबर, √3, √6, सब टाइप के नंबर आते हैं। रियल नंबर्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, 1 इज़ रेशनल नंबर, 2 इज़ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2/3, 4/5 एक्सेट्रा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाई, √3 एंड √6। पाई सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है रेशनल नंबर में, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर से रेशनल नंबर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक फ्रैक्शन, दूसरा इंटीजर्स। फ्रैक्शन किसी होल के पार्ट होते हैं। होल के पार्ट मतलब, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, यहाँ पर कि एक सर्किल बना रखा है, उसके 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। इसी तरह इसके और रेशियो हो सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पिज़्ज़ा आता है, कोई उसके 4 पीस करते हैं, 6 पीस होते हैं, तो मतलब एक होल पे जाके पार्ट हो जाते हैं, तो 1/6। इस तरह इस फ्रैक्शंस के नंबर होते हैं। नेक्स्ट इसका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में फ्रैक्शंस के अलावा और नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स को भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, फर्स्ट इज़ होल नंबर, 2 इज़ नेगेटिव नंबर। तो इट मीन्स इंटीजर्स में वो नंबर आते हैं जो होल और नेगेटिव में होते हैं। होल नंबर्स कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते, इसलिए इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग से शो नहीं किया जाता। होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स खाली दिखाए जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर में हमारे -1, -2, -3, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन्स में क्या होते हैं, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। तो ये पूरी नंबर्स लाइन ही इंटीजर्स को शो करती है। नेक्स्ट, होल नंबर को फिर से 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक 0, दूसरा नेचुरल नंबर। 0 इट मीन 0, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं। इसमें 0 को छोड़ के बाकी पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो ये पूरी हमारी नंबर्स का एक चार्ट होता है। इस चार्ट के हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं किसमें कौन से नंबर आते हैं। ये एक नेक्स्ट मैंने चार्ट आपके सामने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट से, इसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल किसी में भी क्लासीफाई नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर शो नहीं। रेशनल नंबर एक अलग ही टाइप के नंबर होते हैं, उसको पहचानना ईजिली होता है क्योंकि उसमें रूट और पाई से रिलेटेड नंबर होते हैं। बट इन नंबर्स में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। जैसे कि नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर रेशनल में आते हैं, रेशनल रियल नंबर्स में आते हैं। मैंने बताया ही है कि रेशनल हमारे पॉजिटिव 1, 2, 3, 0 छोड़ के होल 0, 1, 2, 3। इंटीजर्स में होल भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, रेशनल में ये सब आते हैं और रियल में सब आते हैं। अब इसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इधर मेजर है, इस 0 आर रियल नंबर। अब 0 मैंने बोला होल नंबर में आता है और होल हमारा रियल नंबर में आता है, इट मीन्स यस 0 इज अ रियल नंबर। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 0 आर रेशनल नंबर। तो 0 होल में आता है और होल रेशनल में आता है, इट मीन्स यस 0 इज अ रेशनल नंबर। इसी तरह आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाई, अब पाई मैंने क्या बोला, इसमें नहीं आता पाई, इरेशनल में आता है, तो इरेशनल में आएगा। बट 22/7 अगर लिख कर आ जाएगा तो वो हमारा रियल में आएगा क्योंकि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और पाई हमारा इरेशनल में आता है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं।
अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।